दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है अर्थक्वेक या भूकंप क्यों आता है, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या वो तरीके हैं जिससे कि आप भूकंप के अंदर बच सकते हैं। तो भले आप बाहर हो या घर के अंदर हो या कार के अंदर हो, आप कैसे जो है भूकंप को अवॉइड कर सकते हैं या उसमें ढंग से अपनी जान बचा सकते हैं विद द लीस्ट डैमेज, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा वीडियो तब नहीं देख रहे होंगे जब एक्चुअल में भूकंप आ चुका है, क्योंकि भूकंप आने जो है वो 10 से 30 सेकंड के लिए ही रहता है, और तब तक आप मेरा वीडियो देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको जेनरिक बातें बता देना चाहता हूँ कि जब भी भूकंप आए तो किसी भी तरह का आप जो है कोई भी माचिस जलाने की या कोई मतलब गैस सिलेंडर को ऑन करने की या किसी भी तरह का जो है फटाफट कहीं पर फ़ोन कॉल करने की या इस तरह की कोई जो है वो हरकत ना करें, क्योंकि ये सब करने का जो है वो टाइम जा चुका है। अब आपको जो है टिक के बैठ जाइए और समझना होगा कि एक्चुअल में उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो अब बात करने वाला हूँ मैं उन तीन कंडीशन की, और भी कंडीशंस हो सकती है लेकिन उन तीन कंडीशन की जिसमें मोस्ट ऑफन हम होते हैं और कैसे ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पे इफेक्टिवली बच सकते हैं। तो पहली कंडीशन की, जब आप घर में हैं या किसी बिल्डिंग में हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जो देखने की ज़रूरत है वो ये कि किसी भी तरह का कोई स्टर्डी ऑब्जेक्ट है, वो कुछ भी हो सकता है, उसके नीचे आप जाके छुप सकते हैं और अपने जो है इस तरह के पोस्चर में हो सकते हैं कि उसमें आप अपनी गर्दन और सर को बचा सकें। एट द सेम टाइम अगर आप कहीं पर अपने आपको बचा रहे हैं तो ध्यान रहे वहाँ किसी भी तरह का कांच का मटेरियल या किसी भी तरह का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो जो कि अगर बिल्डिंग टूटे या कुछ भी हो तो वो उड़ के मतलब आपकी तरफ आ जाए और उसके बाद में आपको ही जो है वो कांच से या इनसे चोट लग जाए। किसी भी तरह का कोई भी वायरिंग या किसी इस तरह का कोई वो हो तो उसको आप अवॉइड करें। इसके अलावा जो है अगर मान लो आप हॉलवे में जा सकते हैं, अगर वहाँ से निकल के किसी एक किसी तरह की हॉल के अंदर, तो वो भी ठीक है। अगर आप जो है पर्टिकुलरली किसी कॉर्नर में जा सकते हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि कॉर्नर की जो है जो वो एरिया है वो सबसे बाद में गिरता है, सबसे पहले जो गिरता है वो जो है आजू बाजू की जो छत है वो सबसे पहले जाती है। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप घर के बाहर हैं, अगर किसी खुले स्पेस में हैं, तो ध्यान रहे कि आप जो है कहीं पे भी अगर हैं तो किसी ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पे जो है वहाँ पे किसी भी बिल्डिंग कोई बहुत बड़ी आपके ऊपर आके गिर सके, या फिर आप कोई पेड़ के या किसी जो है इलेक्ट्रिक पोल वहाँ से गुजर रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो आजू बाजू ना हो, क्योंकि वो आप पे पता चला कि भूकंप की वजह से नहीं बल्कि आप जो है बाकी की सेकेंडरी रीज़न की वजह से ज़्यादा आपको डैमेज हो जाए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। थर्ड कंडीशन इज़ कि अगर आप मान लो कार में हैं तो अगेन वहाँ पे भी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक अलग थोड़ा सिक्योरेटेड प्लेस पे होने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना होगा कहीं ऐसे ना हो कि आप कार चला चला तो एकदम मतलब ब्रेक मार दें कि मतलब आपका कार एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट ही हो जाए वहाँ पे। और इसके अलावा जो है आप एक अलग से जो है सिक्योरेटेड प्लेस पे आइए, वहाँ पे आने के बाद में कार को स्टॉप करके अगेन अपनी जो है ध्यान रहे कि आजू बाजू किसी भी तरह का कोई भी पेड़ या बिल्डिंग नहीं है, ये बहुत जेनरिक सी चीज़ है अगर आप बाहर किसी स्पेस में है तो, और वहाँ पे जो है आप अपना मतलब उसी तरह से जिस पोजीशन में मैंने बताया आप वहाँ पे झुक के और जो है सीट को पकड़ के एक तरह से किसी को होल्ड ऑन करके वहाँ पे बैठ जाइए। इतना जो है आपके लिए काफ़ी है और ये हो सकता है कि आपकी जान भी बचाई देगा, एटलीस्ट डैमेज तो हो सकता है कुछ हो ही जाए फिर भी, लेकिन जान तो जो है वो डेफिनेटली आपकी बच ही जाएगी। एट द सेम टाइम ध्यान रहे कि वहाँ पे जो है किसी भी आप मतलब किसी ब्रिज के पास या कोई अंडरपास के पास वहाँ पे ना हो, क्योंकि पता चला ब्रिज या अंडरपास ही जो है वो डैमेज हो गया तो आपके कार के साथ जो है मतलब सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। और इसके अलावा जब वापस आप कार चलाना स्टार्ट करें, एक बार जब भूकंप आना मतलब ख़त्म हो जाए बंद हो जाए, तो उसके बाद में जो है आप ध्यान रखें कि रोड जो है वो एकदम सही है, कहीं पे मतलब ऐसे ना हो कि रोड मतलब एक तरह से अलग हो गई हो और वहाँ पे आप कार ले जाएं, तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे आपको ध्यान रखनी चाहिए इन जनरल। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।